अप्रैल महीना सुर्खियां बनाने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द शेयर की गई गलत सूचनाओं से भरा रहा। ऑल्ट न्यूज ने रामनवमी की रैली और अतीक अहमद की हत्या समेत रोजमर्रा में होने वाली घटनाओं से जुड़ी गलत सूचनाओं का फैक्ट चेक किया है। इस वीडियो में हम आपको अप्रैल महीने के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट चेक दिखाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने 2022 के सबसे प्रमुख आतंकवादी संगठनों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया था। दरअसल इस लिस्ट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI 12वीं रैंक पर है। ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स जमकर CPI पर निशाना साधने लगे। दरअसल GTI रिपोर्ट ने गलती से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम का इस्तेमाल किया था। GTI ड्रैगन फ्लाई के आतंकवाद ट्रैकर डेटा का इस्तेमाल करती है, जबकि असल में उनका इरादा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का नाम ऐड करने का था। बाद में IEP ने भी इस बात की पुष्टि की और ये नई लिस्ट जारी की। सुदर्शन न्यूज, द न्यू इंडियन समेत कई लोगों ने यूपी के बुलंदशहर में एक घर में हुए ब्लास्ट की तस्वीरें और वीडियोस शेयर किए और दावा किया कि ये ब्लास्ट मोहम्मद शफीक के घर में हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। भाजपा समर्थक अरुण पुदुर ने भी यही दावा किया था। बुलंदशहर के SSP श्लोक कुमार ने इस मामले के बारे में ये कहा। ये कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में आज दिन में सूचना प्राप्त हुई थी कि खेत के बीच बने एक मकान में विस्फोट हुआ है। इसमें जब वहाँ पे हमारी टीमें पहुँची तो मौके से कुछ उसमें एविडेंसेस मिले थे, जिनका कि परीक्षण किया गया। उसके आधार पर यह ज्ञात हुआ कि एक कंपनी है जिसका कि नाम है MS एयर स्टार ट्रेडर्स, जिससे संबंधित कुछ दस्तावेज मिले थे, जो कि एक राजकुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है, और इनके पास कुछ केमिकल्स के डीलिंग का ट्रेडिंग का लाइसेंस था, जो कि GST नंबर जो रहता है उससे ज्ञात हुआ। इसके आधार पे इनके घर पर भी छापेमारी की गई और घर से भी कुछ सामान बरामद हुआ है, और साथ ही साथ कुछ जो इनके साथी सहयोगी हैं वो लोग मिले हैं, जिनसे कि गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अगर मुझे कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, और साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक SIT का गठन किया जा रहा है, जिसमें कि ADM, SPCD और CFO मौजूद रहेंगे। सर, जिन जिनकी मौत हुई है वो कौन लोग हैं? 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। देखिए, इनकी शिनाख्त करवाई जा रही है। अब तक जो जानकारी मिली है उसमें एक ये जो मुख्य व्यक्ति है जिसका कि ये ट्रेडिंग का लाइसेंस था, उसका भाई और वहीं पे काम करने वाले 2 लोग थे। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति जो कि ई रिक्शा चलाता है, उसकी भी मौत होने की पुष्टि हुई है। तो इसमें हम लोग हर संभव आइडेंटिफिकेशन के प्रयास करते हैं और अभी निकाल रहे हैं। अभी तक सर गिरफ्तारी हो पाई है, इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? जैसा मैंने बताया कि अभी जो व्यक्ति जिसके नाम पे कि ये ट्रेडिंग लाइसेंस है, उसके कुछ सहयोगी और उसके भाई को पूछताछ के लिए लाया जा रहा है, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। वो व्यक्ति जो कि मकान मालिक था उसको भी अभी हिरासत में लिया गया, उससे भी हम लोग पूछताछ। यानी जिस घर में ब्लास्ट हुआ वो सतीश नाम के एक आदमी का था, जिसने MS एयर स्टार ट्रेडर्स के मालिक राजकुमार को घर किराए पर दिया था। राजस्थान के गंगानगर की एक मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने के दावे के साथ ये वीडियो काफी शेयर किया गया था। गंगानगर पुलिस ने वायरल ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए बताया था कि ये झंडा किसी मस्जिद पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति के घर पर लगाया गया था। ऑल्ट न्यूज ने गंगानगर के SP देशमुख पारिस से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने एक घर पर झंडा लगाया था जो कि मदरसे की बाजू में ही था, और बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए झूठा दावा चलाया कि उन्होंने मस्जिद पर झंडा फहराया है। SP ने कहा कि इस मामले में 2 लोगों को भ्रामक मैसेज के साथ वीडियो शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं ये दोनों व्यक्ति हिंदू समुदाय से है। पुलिस द्वारा शेयर की गई FIR कॉपी से हमें मालूम हुआ कि बिजबायला में तारा चंद्र के मकान पर झंडा लहराया गया था, जो कि एक मस्जिद के पास ही है, और पुलिस ने अंकित और मनीष नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। ऐसे में ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया कि इस पुल पर एक ट्रेन का ट्रायल रन कराया गया, और ये उसी का वीडियो है।
बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी ये दावा किया है। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि वीडियो में दिखने वाला पुल जम्मू कश्मीर का चिनाब पुल नहीं बल्कि चीन का एक पुल है जिसे बेपान जियांग रेलवे ब्रिज कहा जाता है। ये वीडियो 27 जून 2022 को फेसबुक पर पोस्ट किया गया था। वहीं इस वीडियो को चिनाब पुल की तस्वीरों के साथ कंपेयर करने पर साफ हो जाता है कि ये वीडियो चिनाब पुल का नहीं है। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में ये महिला अधिकारी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने की बात कह रही है और साथ में यूपी में नियम कानून की धज्जियां उड़ाए जाने की बात भी कही जा रही है। जांच करने पर हमें मुंबई नगर पालिका के वार्ड HW का ये रिप्लाई मिला। इसमें बताया गया है कि 21 मार्च को मुंबई में केडी मार्ग और सांता क्रूज स्टेशन के पास बने 6 अवैध स्टॉल्स को तोड़ दिया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये वीडियो शेयर करते हुए अरुण यादव ने उन पर निशाना साधा और कहा कि अशोक गहलोत अमृतपाल के खालिस्तान की सोच को सटीक बता रहे हैं। अमृतपाल सिंह बोल रहा है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते मैं क्यों नहीं बात करूं खालिस्तान की, ये कितनी सटीक बात उसने कही। कुछ भाजपा नेता और वेरीफाइड यूजर्स ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। अशोक गहलोत की बाइट का पूरा वीडियो देखने पर साफ हो जाता है कि वो असल में अमृतपाल सिंह की खालिस्तान की मांग पर चिंता जाहिर कर रहे थे। ये बहुत खतरनाक बात है देश के लिए। आज तक हिस्ट्री में पहली बार कोई बोला है हिंदू राष्ट्र की बात कर मैं क्यों नहीं करूं, कल दक्षिण के राज्य बोलने लग जाएंगे। दक्षिण के राज्य में 40-50 साल पहले ऐसी आवाज उठी थी, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। हमें चिंता करनी चाहिए मुल्क के भविष्य की। साध्वी प्राची ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि गुजरात के बेट द्वारका में हजारों मुस्लिम अवैध तरीके से रह रहे हैं। असल में हरियाणा में सिरसा जिले के कालावाली इलाके में 258 पासपोर्ट सड़क के किनारे लावारिस पाए गए थे। इस पूरी घटना के बारे में तत्कालीन SHO ओम प्रकाश ने ये बताया। कल दिनांक 10/3/2018 को गांव चकेरिया से सूचना मिली थी कि गांव चकेरिया से और लकड़ावाली रोड के ऊपर कुछ पासपोर्ट बिखरे पड़े हैं, तो तुरंत जाके पब्लिक के सामने उनको कब्जा पुलिस में लिया गया है। जो अभी मेरे पास लुधियाने से 2-4 आदमी आए, उन्होंने बताया है कि एक लुधियाने के अंदर SSO प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी वीजा लगाने के लिए खुली थी, तो उन्होंने जब ऐड अखबार में डाली तो हमने उनके पास ये पासपोर्ट अपने जमा करा दिए थे। कुछ समय बाद वहाँ कोई एक किसी व्यक्ति का वीज़ा गलत लगने के कारण हंगामा हो गया कंपनी का और कंपनी वालों ने वहाँ से ऑफिस बंद कर दिया था। उसके बाद कंपनी वालों ने सूचना दी थाने के अंदर कि ये पासपोर्ट जो है वो वहाँ से गुम हो चुके हैं। पुलिस हमने तो कार्रवाई कब्जे में ले लिए हैं और जैसे भी आगे नियमानुसार पासपोर्ट ऑफिस को सूचना दे दी जाएगी। जान चलने के बाद जैसे भी कार्रवाई अलमा आएगी नियमानुसार की जाएगी। वहीं 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर मथुरा में रैली निकाली गई थी। इस दौरान रैली पर पत्थरबाजी होने की बात भी सामने आई। कौन लोग माहौल खराब करना चाहते हैं और छत पर जो लोग मौजूद हैं ये कौन है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं? इन्हें किसने कहा था इस तरह से पत्थरबाजी करो? इनके पास ये पत्थर कहां से आए और ये लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं इनके पीछे का क्या मकसद था? क्या ये चाह रहे थे कि माहौल खराब हो जाए, पत्थरबाजी करें? जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान पत्थरबाजी का ये जो प्लान था ये किसने रचा था? सोशल मीडिया पर पत्थरबाजी का जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय को बताया जाने लगा। ऑल्ट न्यूज ने जांच में पाया कि इसके पीछे मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है बल्कि उच्च समुदाय के लोगों ने रैली का विरोध किया था। पुलिस ने पत्थरबाजी करने के विरोध में सूरज भाम, हुकुम सिंह और प्रताप सिंह नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। स्वतंत्र भारत में पहली इफ्तार पार्टी की तस्वीर बताते हुए सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की गई। लोगों ने दावा किया कि यह पार्टी मौलाना आजाद ने आयोजित की थी जिसमें BR अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मंत्रिमंडल शामिल हुआ था। असल में ये तस्वीर भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने के अवसर पर वल्लभ भाई पटेल द्वारा आयोजित किए गए एक लंच समारोह की है।
इस बीच प्रयागराज में 5 बार विधायक रह चुके 62 साल के अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। देखते ही देखते ये घटना सुर्खियों में आ गई। इस बीच कुछ लोगों ने ये दावा किया कि हत्या के बाद हमलावरों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। वहीं कुछ यूजर्स कहने लगे कि हत्यारों ने ऐसे कोई नारे नहीं लगाए थे। दरअसल हत्या की ये घटना मीडिया के कैमरा में कैद हो गई थी और इसी के चलते ऑल्ट न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट्स की फुटेज देखी और पाया कि हत्यारों ने असल में गोली चलाने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए थे। रामनवमी के मौके पर 30 मार्च को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शिवपुर में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली थी। इस रैली के दौरान मंदिर को आग के हवाले किए जाने का दावा सोशल मीडिया पर चलाया गया। हमने मामले की तफ्तीश की और पाया कि मंदिर के सामने मौजूद फलों की टोकरियों और कचरे में आग लगाई गई थी और मंदिर के पुजारी ने ऑल्ट न्यूज को ये भी बताया कि ये आग रैली में शामिल लोगों ने ही लगाई थी। ये मंदिर का कोई डैमेज नहीं हुआ ना? हाँ, डैमेज नहीं हुआ, ऊपर में थोड़ा हुआ है। क्या है, हुआ है? ईटा पत्थर चला, लेकिन आग नहीं लगा ना मंदिर? नहीं, आग नहीं लगाया। हम अंदर में था, आग नहीं जलाया। जितना देर तक इधर वही जला है, उधर जला है, उधर कुछ क्या जल रहा था? चीज क्या? ले प्लास्टिक। मतलब ऐसा अगर दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर जल गया था, वो गलत है? तो जो जो धुआं निकल रहा था वो धुआं से सब कोई बोलता मंदिर में, यही तो बोले। दूसरा दिन जो हुआ है जो अगला दिन ईटा पत्थर बहुत आया है। पहला दिन कुछ नहीं हुआ, अब पहला दिन नहीं हुआ, हम भी अंदर में था। इस दावे का डिटेल फैक्ट चेक आप स्क्रीन पर मौजूद आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहीं ऐसे गलत दावों की सच्चाई विस्तार से जानने के लिए आप ऑल्ट न्यूज के सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट्स पर जा सकते हैं।